लड़ रहे हैं और आप अकेली महिला हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण पे हमेशा बहन जी ने काम करा है और इसी वजह से एक महिला को आगे भी करा है। आपके मन में क्या ऐसे ख्याल आया राजनीति में आने का? शहर की स्थिति को देखते हुए, महिलाओं की दिक्कतों को देखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए भैया ने पुश करा। क्या प्राथमिकता रहेगी? औरतों के लिए शहर को थोड़ा सेव करना, ये सबसे पहली प्लान। क्या मानती अपनी जीत के लिए? बिल्कुल जीत होगी इंशाल्लाह। आपको लगता है कि महिला जितना अच्छा घर संभालती है उतना अच्छा ये संभाल सकती है? महिलाएं मल्टीटास्किंग के लिए जानी जाती हैं हमेशा से, डेफिनेटली महिला हर चीज़ में बेहतर कर सकती है। सहारनपुर की प्रमुख समस्याएं क्या रहेंगी जिसको आप प्राथमिकता से देखती हैं और उसको निस्तारण करेंगी? सबसे पहला साफ सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सुरक्षा, महिलाओं के लिए सुरक्षित करना, ये पहले भी कहा था अभी भी ये सबसे पहली प्राथमिकता है। 5 साल से लोग जो हैं धूल मिट्टी में परेशान हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब पूरा शहर खुदा हुआ है। जी मैंने पहले भी यही कहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले आएगा सड़कों के ऊपर, और ये बार बार खुदाई होके जो ट्रैफिक की सिचुएशन आम आदमी के लिए त्रस्त हो जाता है, सड़क पे निकलने से घबराता है, उसके लिए काम करेंगे। मेन फाइट आप किससे मानती हैं? किसी से भी नहीं, वर्चस्व दिखा पाएंगे। देखिए मुझे ये कहते हुए कोई इंशाल्लाह वो नहीं है कि हो। सहारनपुर के अंदर आपने हालात देख लिए, रात एक और कैंडिडेट ने विड्रॉ कर लिया। कैंडिडेट हंट प्रोग्राम जो समाजवादी पार्टी का चल रहा था उसके अंदर एक कैंडिडेट और शहर के थे, वो विड्रॉ कर गया, फिर इम्पोर्टेड कैंडिडेट लाने की तैयारी है। तो ये जीत की अलामत है कि कोई शहर से, सबको पता है कि चुनाव जीतना है तो शहर से कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, तो जीतने का रास्ता इंशाल्लाह साफ है। मतलब आसमानी कैंडिडेट को आप कबूल नहीं होंगे? नहीं नहीं, मुझे कबूल नहीं। सहारनपुर के लोग समझ रहे हैं ना कि सहारनपुर के लोग लड़ने को तैयार नहीं है, कोई उम्मीदवार सहारनपुर से लड़ने को तैयार नहीं है। अब इससे ज़्यादा जीत के लिए मैं क्या बताऊँ कि जीत का रास्ता बिल्कुल साफ है इंशाल्लाह। इसमें अतीक और अरशद को लेकर बहन जी ने कहा है, न्याय की मांग की है, क्या? देखिए अपराधियों का किसी भी सूरत में समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो अपराध प्रयागराज के अंदर घटा है, हमें डर लगने लगा कि आप में से कोई आदमी हमारी गोली मार देगा। हमें किस तरह पता चलेगा, किस तरह ये पता होगा? मतलब जो जघन्य हत्याकांड हुआ है वो सवाल ये नहीं कि मरा कौन है, सवाल ये है कि कितना बड़ा और किस दुस्साहस के साथ मारा गया है। कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उत्तर प्रदेश के अंदर उड़ रही हैं, सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि कौन मारा गया। और जिस प्रकार उसको खेलने का काम किया जा रहा है वो घोर निंदनीय है। मुकाबला किससे यहाँ पर? लगे पूरे प्रदेश में मुकाबला भाजपा के साथ है, किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, सबको पता है।